ओम शांति। 13 सितंबर 2021 आज के साकार मूल्य रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। क्या समझ में आया? तत्वों सहित सारे यूनिवर्स को बदलने वाला, केवल आत्माओं को नहीं। आज की मुरली में बाबा क्या वंडरफुल बात कह रहे हैं, पांचों तत्वों सहित सारे यूनिवर्स की आत्माओं की सदगति करने वाला। तो तत्वों की भी सदगति करते, जितना भी जो कुछ भी है सबकी सदगति हो जाती है। और ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी, केवल एक, यहां से ही सबकी सदगति होती है। अभी बैठ करके सोचना है कि कितना वंडरफुल पार्ट है। और सदगति भी कहां तक होती है? हर एक आत्मा एकदम 100% प्योर, हर एक तत्व अपना 100% प्योर, क्योंकि हर एक आत्मा की 100% प्योरिटी अलग अलग है। हर एक तत्व की 100% प्योरिटी अलग अलग है, क्योंकि 1-1-1 से पहले समझो 0 पर हर आत्माएं या हर एलिमेंट जिस स्टेज पर होता है वही उस आत्मा व उस एलिमेंट की 100% प्योर स्टेज है, क्योंकि वहां पर 100% प्योर आत्माएं परम अवस्था से इस संसार में जागृत कर्म क्षेत्र में पार्ट प्ले करने के लिए अवतरित होती है, प्रकट होती है, दिखाई देती है और काम शुरू होता है। 1-1 होता है, वर्ल्ड ड्रामा स्टार्ट होता है। और यहां से ही फिर क्या होती है? सबकी सदगति होती है। हाँ, चाहे 80 है चाहे 20 है, क्योंकि उनकी वही प्योर अवस्था है, क्योंकि उनका संसार में अब किसी भी आत्मा के साथ कुछ भी लेना देना बाकी नहीं। वो प्योरिटी हर एक आत्मा की है, चाहे वो 2% पवित्र है, चाहे वो 1% पवित्र है, चाहे 90% पवित्र है, चाहे 100% पवित्र है, वो तो किसी भी आत्मा का, किसी भी आत्मा से अब लेना देना बाकी नहीं है। हर एलिमेंट, चाहे वो पानी है, चाहे वायु है, चाहे आकाश है, चाहे अग्नि है, तो चाहे कोई भी तांबा है, सोना है, जो भी मतलब दुनिया का एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट अपनी उस प्योरेस्ट स्टेज पर होता है जब 1-1-1 होता है। तभी तो 100% प्योर नेचर और 100% प्योर आत्माएं, प्रकृति और पुरुष का खेल शुरू होता है जब दोनों 100% तो ये 100% तक पहुंचाने का जो रोल है ये परमपिता परम आत्मा ही आकर करते। परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई भी इस रोल को कर नहीं सकता। प्रश्न है, बाप में निश्चय होते ही कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए? हमें बाप पर निश्चय हो गया, पहले दिन हम आए हैं या जैसे भी आए हैं, हमें जिस समय भी चाहे कितना लेट भी हो गए हैं, हमें यदि परमात्मा पर निश्चय हो गया है तो सबसे पहले कौन सी राय अमल में लानी चाहिए? नंबर एक, जब निश्चय हुआ कि बाप आया हुआ है तो बाप की पहली पहली राय ये है कि इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो, जो कुछ भी देखते हो उसे भूल जाओ। क्या भूल जाए?
उसे भूल जाओ, क्या भूल जाए? जो कुछ भी इन आंखों से देखते हो उन सबको भूल जाओ, मीन्स उनको मेरा कहना बंद कर। ये कोई भी जो कुछ भी मेरे को दिखाई दे रहा है, जिनको मैं अब तक मेरा समझता था, चाहे वो मेरा देश हो, चाहे वो मेरी धरती हो, चाहे वो मेरा आकाश हो, चाहे वो मेरा वातावरण हो, चाहे मेरा हद में आ जाए परिवार हो, चाहे उससे भी हद में आए कि मेरा शरीर, बस जो कुछ भी दिखाई दे रहा है इन सब को भूल जाओ। अब हमें केवल और केवल एक बाप की श्रीमत पर चलना है, बस जो बाबा कहेगा वही हमको करना है, जिसको बाबा करने के लिए मना करेगा हम उसे नहीं करेंगे। मतलब केवल और केवल ये बात अपने आप से हमें समझानी है, इस राय को फौरन अमल में लाना चाहिए। बाबा की जो श्रीमत है, इस राय को, इस मंत्र को, इस सलाह को, राय माना सलाह, राय माना मंत्र, राय माना, अपने जीवन में लाना चाहिए। नंबर दो, जब तुम बेहद के बाप के बने हो तो पतितों को के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। जब तुम बेहद के बाप के बने हो तो पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। तो हम लेन देन सारा दिन किसके साथ करेंगे? पावन तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, सारे ही पतित हैं, फिर लेन देन किसके साथ करेंगे? करनी तो लेन देन उनके साथ है, रहना तो उनके साथ है, परंतु हमने अब बिल्कुल बुद्धि में स्पष्ट समझना है कि हम आत्मा से लेन देन कर रहे। पतित तो उनके कर्म है ना, हमने तो आत्मा को देखना है, आत्मा समझ करके हमने उनके साथ लेन देन करनी। हमने कुछ नहीं देखना कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है, वो जो मर्जी करे वो उसका पार्ट है, मुझे वो तो उसका रोल है, उसने वही करना है। मुझे तो वो आत्मा दिखाई दे, क्योंकि जो कर्म वो करेगा उसका फल उसी आत्मा को लेना है, मुझे नहीं मिलना, मुझे नहीं लेना। जो कर रहा है वही भुगतेगा, अच्छा कर रहा है तो भी उसे मिलेगा, गलत कर रहा है तो भी उसे मिलेगा। मैंने उस आत्मा के प्रति अब किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न ना रख के केवल और केवल लेन देन करना है तो रूहानी लेन देन करना है। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात में संशय नहीं आ सकता। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात में संशय नहीं आ सकता जिसको ये निश्चय हो गया हो कि स्वयं परमपिता परमात्मा आकर समझा रहा है। नो क्वेश्चन, फिर गलती हो नहीं सकती, फिर गलती हो ही नहीं सकती। ये बात बुद्धि के अंदर बहुत अच्छी तरह बैठनी चाहिए। जो बाबा ने कहा है वो राइट है, फिर कोई क्वेश्चन कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। ओम शांति। ये घर का घर भी है और यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी भी है, इसको ही गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है, क्योंकि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की सदगति होती है, क्योंकि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की सदगति होती है। रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ये है, रियल वर्ल्ड सच्चा संसार की जो यूनिवर्सिटी है सच्ची सच्ची, वो यही है। घर का घर भी है, माता पिता के सन्मुख बैठे हैं, फिर यूनिवर्सिटी भी है, स्पिरिचुअल फादर बैठा हुआ है, स्पिरिचुअल फादर बैठा हुआ है। ये है रूहानी नॉलेज, जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है। स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर के और कोई मनुष्य
दे नहीं सकता और कोई भी मनुष्य दे नहीं सकता। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है और ज्ञान से ही सदगति होती है, इसलिए ज्ञान सागर सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। बाप द्वारा सर्व यूनिवर्स के मनुष्य तो क्या, परंतु हर चीज पांच तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, सबकी सदगति होती है। ये बातें बड़ी समझने की हैं। अभी सबकी सदगति सबकी, चाहे वो प्रकृति है, चाहे वो आत्माएं, चाहे वो पशु पक्षी आत्माएं हैं, चाहे मनुष्य आत्माएं हैं, सबकी सदगति होती है। चाहे पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़े सब, पुरानी दुनिया और दुनिया में रहने वाले सब चेंज हो जाएंगे। जो कुछ यहां देखते हो वो सब बदल कर नया होने का है। कितनी क्लियर बाबा बात करते हैं, सब कुछ बदल कर। गाया भी जाता है, यहां है झूठी काया झूठी माया झूठा ये संसार, ये झूठ खंड बन जाता है। फिर भारत क्या बनता है, सच खंड था अभी झूठ खंड है, फिर सच खंड जरूर बनेगा। रचयिता और रचना के बारे में जो मनुष्य कहेंगे वो झूठ, रचयिता और रचना के बारे में जो मनुष्य कहेंगे वो झूठ। कितनी वंडरफुल लाइन, एक लाइन में सारी बात खत्म कर। अलग अलग मत है, नहीं कुछ तो कहते हैं कि नहीं जानते, वेद तो कहते हैं नेति नेति, हम नहीं जानते कि सृष्टि कैसे आदि हुई कैसे अंत हुआ, परंतु तो बाद के लेखकों ने तो अपने आप को बता दिया, उन्होंने तो अलग वर्ण अलग अलग वर्णन कर दिए, ठीक नहीं। उन्होंने जो मर्जी आया, अलग अलग सबके मत है, कुछ ने एक दूसरे से मिलाने की कोशिश की है, कुछ ने अपने नए मत दे दिए। उनके अंदर सब स्वर्ग को भी अपने अपने तरीके से दिखाया है, नर्क को भी अपने तरीके से बताया है, ऊपर कैसे बताया है, हर एक ने अपना अपना वर्णन किया। कुरान अपने तरीके से बता रही है, बाइबल अपने तरीके से बता रहा है, हमारे शास्त्रों में तो इतनी वैरायटी है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं, कोई लिमिट नहीं। ये पुराणों ने तो और भी बेड़ा गर्क कर दिया, पता नहीं क्या वर्णन कर दिया, किसको स्वर्ग कहते हैं अब तो एकदम गोबर लगता है। रचयिता और रचना के बारे में जो मनुष्य कहेंगे वो झूठ, बात ही खत्म कर। अभी तुम बाप द्वारा जानते हो, भगवानो वाच, भगवान एक बाप है ना, वो है निराकार, असल में तो सब आत्माएं निराकार हैं, फिर यहाँ साकार रूप लेती हैं, यहाँ क्या लेती हैं, साकार रूप लेती हैं, वहां आकार नहीं है, परम धाम में कोई आकार नहीं है, पांच तत्व ही नहीं है, वो आत्माएं मूल वतन व ब्रह्म मा तत्व में निवास करती हैं, वो है हम आत्माओं का घर ब्रह्म मा तत्व, ये आकाश तत्व है, ये जो है आकाश तत्व है, और वो आकाश तत्व से अलग ब्रह्म मा तत्व है। जहां साकारी पाठ चलता है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकाश तत्व में ये साकारी पाठ चलता है, जहां वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, इसका अर्थ भी समझते नहीं, कहते हैं रिपीट होती है, गोल्डन एज फिर सिल्वर एज फिर कॉपर एज फिर आयरन एज फिर क्या, फिर गोल्डन एज, फिर गोल्डन एज जरूर आएगी। संगम युग एक ही होता है, सतयुग त्रेता व त्रेता और द्वापर का संगम नहीं कहा जाता, इन बाकी संगम को नहीं गिना जाता, सिर्फ किसको गिना जाता है, उसको बाबा ने पहले भी कई बार बोलते हैं, आज बाबा फिर उन शब्दों को ले रहे हैं, मैं काल काल कल्प के संगम युग में आता, मतलब युगों के संगम युग में नहीं आता, एक है रात और दिन का संगम, एक है सप्ताह का संगम, एक है महीने का संगम, एक है साल का संगम, एक है युग का संगम, और ये है कल्प का संगम। अंतर देख रहे हैं, मतलब एक कल्प खत्म हो रहा है और दूसरा कल्प शुरू हो रहा है, तब बाबा आते हैं।
युग के नहीं आते। सतयुग त्रेता युग के संगम पर या त्रेता द्वापर या कलयुग सतयुग के संगम पर नहीं। बस यहाँ पर ये बात एक जो सबसे बड़ी बात है कि सतयुग से ही नया कल्प शुरू होता है। तो कलयुग का अंत, सतयुग का आदि, एक कल्प खत्म, दूसरा कल्प शुरू। मैं कल्प 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 के संगम युग आता हूं, मतलब मैं हर कल्प में आता हूं, कल्प कल्प का मतलब, और एक कल्प खत्म होता है, दूसरा कल्प शुरू होता है, तब आता हूं, मुझे बुलाते ही तब हैं जब सब तमो प्रधान पतित बनते हैं, कहते हैं आप पावन बनाने आओ, आप पावन बनाने आओ। पावन होते ही हैं सतयुग में, अभी है संगम युग, इनको कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का ये संगम युग है, आत्मा और परमात्मा के मिलन का संगम, इनको कुंभ भी कहा जाता है। वो फिर दिखाते हैं नदियों का मेला। दो नदियां तो हैं, तीसरी नदी गुप्त कहते हैं। तीसरी नदी क्या है? फिर गुप्त नदी है तीसरी, ये भी झूठ है। बाबा कहते हैं ये भी झूठ है, कोई तीसरी नदी गुप्त नहीं है। गुप्त नदी कोई हो सकती है? साइंस वाले भी नहीं मानेंगे, बाकी दुनिया वाले तो मानेंगे, उनको तो कोई मना नहीं सकता। दो नदियां, तीसरी नदी तो है ही नहीं। एक नदी इधर से गंगा आ रही है, उधर से जमुना आ रही है, दोनों नदियां मिल करके थोड़ी दूर तक तो पानी अलग अलग दिखाई देता है, उसके बाद आगे जाकर मिल जाता है। थोड़ी दूर तक दिखाई देता है कि ये गंगा का पानी, जैसे लाइन हो दोनों पानियों में, एक काला पानी है एकदम सफेद पानी है, तो दोनों पानी दूर तक तो दिखाई देते हैं। अब उसको कहते हैं बीच में सरस्वती आ गई, अरे कहाँ से सरस्वती आई, कहाँ है वो सरस्वती, उसका पानी चलो अलग दिखा दो, थोड़ा सा कोई नाला सा भी दिखा दो। साइंस वाले भी नहीं माने कि कोई गुप्त नदी हो सकती है। तीर मारा गंगा निकल आई, ये सब है। अब ऐसे पानी ऊपर से तीर मारे के पानी थोड़ा निकल आएगा। नहीं निकल सकते, पानी कैसे निकल आएगा? पानी तो तब निकले जब प्रेशर ऊपर आने का हो। प्रेशर ऊपर आने का हो तो, क्योंकि आपने देखा या नहीं देखा, हमने देखा है कि 4-5 फुट पर पानी मिल जाता है नहीं? नदियां जैसे आप जाएंगे वहां पर, तो वहां पर भी पानी आप देख सकते हैं। अपना माउंट आबू में जो नदी है, तो नदी जान नदी वाली जमीन है, उस नदी में 4-5 फुट में पानी आ जाता था, क्योंकि वो पहाड़ों के पत्थर पड़े हुए ना नदी में, उन पत्थरों के कारण, पत्थरों के नीचे पानी है, ऊपर से दिखाई देती है ना सूखी पड़ी है, उसको हटाएंगे तो पानी आ जाएगा। तो उस नदी का पानी तो हम लेते थे, उसी में नदी में ही कुआं कहाँ से आएगा, नदी का ही पानी है जो कुएं में आता है, उस नदी का पानी ही सारा का सारा मतलब छन करके वही जो है ना हम यूज करते। तो पाकिस्तान के अंदर या जहां पर है ना, क्या होता है कि नदी चली जाती है, रेतीला इलाका होता है, उस वो नदी वाली जगह पर जो रेत होती है, उस रेत को ऐसे हटाएंगे तो उसके नीचे पानी आ जाएगा, क्योंकि नदी में पानी रहता है। सभी नदियों में नहीं, पर जिन नदियों के नीचे समझो चट्टान है कोई, ऊपर जो है ना पहाड़ी इलाका है, वहां ऊपर से रेत आ गया, क्रेशर आ गया, पत्थर आ गया, वो ऊपर जम गया, आज नीचे से पानी बह रहा है ना, तो ऊपर से पत्थरों के कारण वो हमें पानी दिखाई नहीं दे रहा, पर तो उन पत्थरों के बीच में से पानी रिस करके जा रहा है। उन पत्थरों को हटाएंगे, रेत को हटाएंगे, क्रेशर को, बजरी सी पड़ी होती है ना, उस बजरी को हटाएंगे तो वहां हमें पानी मिल जाता है। जब बरसात के नजदीक का पानी होता है ना, जब बरसात खत्म होती है तो हमें लगता है पानी खत्म हो गया, परंतु हटाएंगे तो पानी होगा। हमारे फिरोजपुर का में जो झरना आता है, उस झरने में भी इसी प्रकार से पत्थरों के नीचे जहाँ पानी मिल जाएगा, ऊपर से दिखाई देगा पत्थर पड़े, परंतु पत्थर हटाएंगे तो पानी अच्छा मिल जाएगा।
तीर मारा गंगा निकले। अच्छा तीर मारेंगे तो गंगा तभी पानी बह रहा है, पानी ऐसे बाहर कैसे आ जाए? तीर मारेंगे तो भी नहीं आएगा, घटा हो गया दिखेगा पानी जा रहा है, पानी ऐसे फुहारा थोड़ा चलेगा। तीर मारा गंगा निकल आई, यदि प्रेशर हो उसके अंदर पानी के अंदर फिर तो पानी वैसे ही बाहर आ जाए, प्रेशर चाहिए। ये सब है झूठ, ये सब है झूठ। गाया हुआ है ज्ञान भक्ति वैराग्य, क्योंकि उन्होंने तो वहां पर क्या लगा दिया, एक ट्यूटी लगा दी होगी, पाइप लगा दिया होगा, तीर मारा दिखाया पानी निकल आया, प्रेशर तो पानी उधर से टूटी खोल दी होगी। अभी कल देख रहे थे एक वीडियो वायरल हुआ पड़ा है, मेरे पास भी व्हाट्सएप में कई बार आया, कई लोगों ने भेजा कि एक कढ़ाई के अंदर बच्चा बैठा है, पानी उबल रहा है, तो उसको दिखाया कि सच क्या है कि उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि कढ़ाई को बहुत नीचे आग लगा दी है, परंतु तो कढ़ाई के नीचे जो है ना एक कवर बनाया है ताकि पानी जो है ना पानी को उबलता हुआ दिखाने के लिए उसमें एक पाइप डाल दिया है, पानी ऐसे उबल रहा है समझो, और उसका उसके ऊपर फूल डाल दिए हैं। मतलब उस चित्र के अंदर ही साफ समझ में आ रहा है कि यदि पानी उबले तो सारी कढ़ाई का पानी उबलेगा, सिर्फ उसके सामने तो पानी नहीं उबलेगा, बाकी जगहों पर तो भी उबलना चाहिए, फिर फूल रखे हुए वहां भी नहीं उबल रहा। मतलब ये 2 साल पुराना वीडियो, मतलब वो वायरल का रखा है कि ना देखो प्रहलाद, भक्त प्रहलाद कैसे उबलते हुए पानी में सुरक्षित बैठा है, सारे देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फोटो बना रहे हैं। पाठ है, हर एक आत्मा का पाठ, ऐसे दिखा रहे हैं जैसे सच में किसी को बना बिठा दिया हो। पहले पहले अच्छा ज्ञान भक्ति वैराग्य तीन शब्द है, बाबा कहते हैं तीन अक्षर पकड़ लिए दुनिया वालों ने, परंतु अर्थ नहीं समझते, परंतु अर्थ नहीं समझते। पहले पहले है ज्ञान, दिन सुख, फिर है भक्ति, रात दुख, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। अब एक की तो नहीं होगी ना, ये तो नहीं कि सिर्फ ब्रह्मा का ही दिन और ब्रह्मा की रात, बाकियों के लिए भी तो होगा ना, बहुत होंगे ना। दिन होता है आधा कल्प, फिर रात भी होती है आधा कल्प, फिर होता है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। सत्युग त्रेता ज्ञान, द्वापर कलयुग भक्ति, संगम युग पर आता है हर आत्मा को संसार की हर चीज से वैराग्य, और ये वैराग्य आकर दिलाते हैं शिव बाबा। और आकर क्या कहते हैं, जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है उन सब को छोड़ दो, भूल जाओ, क्योंकि ये है ही नहीं, क्योंकि ये तो नष्ट होने वाले हैं। चाहे आप राजी खुशी भूलो, चाहे फिर मैं जबरदस्ती आपको भुलवा ही दूंगा, मतलब इसको भूलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई मतलब ये सोचे कि मैं नहीं भूलता, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक आत्मा को भूलना ही भूलना है, वैराग्य तो आएगा, क्योंकि ये भी एक बड़ा गहरा राज है इस बात में कि हर आत्मा स्व इच्छा से परम धाम जाती है, कोई जबरदस्ती नहीं जाता, स्व इच्छा से, किसी को बाबा जबरदस्ती नहीं ले जाता। भल बाबा ने एक मुरली में कहा, चाहे प्यार से चलो चाहे मार खा के चलो, परंतु मार भी खाएंगे तो अपने कर्मों के अनुसार मार खाएंगे, बाकी बाबा किसी को मारेगा नहीं, चलता है कि नहीं चलता, नहीं, बाबा किसी को भी कंपेल करने वाला नहीं है। हर आत्मा को संसार की वस्तुएं उसके लायक नहीं रहे, चल गई है, मान लो आत्मा रूप में मैं ढीठ बन के यहाँ खड़ा हुआ हूं, मैं घर नहीं जा रहा हूं, नहीं जाना चाहता हूं, और चाहे कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ भी नहीं रहा, अब मैं क्या करूं यहां, ना तो मेरा कोई परिवार का संबंधी रहा, ना मेरी वस्तुएं किसी काम की, ना मेरे पास शरीर, ना मैं कुछ खा सकता, ना मैं पी सकता, ना मैं कुछ कर सकता, क्या करूं, सब कुछ जल गया है, ना पीने को है ना खाने को है, सब कुछ नष्ट हो गया है, चारों तरफ तबाही तबाही दिखाई दे रही है।
कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो कहना ही पड़ेगा, वो भी किसको देखने का होगा तो देखेगा, अदरवाइज तो कहेगा चलो परम अवस्था में चला ही जाएगा, कुछ है ही नहीं, अकाउंट भी नहीं रहा, खिंचाव भी नहीं रहा, क्योंकि कोई रोक क्यों रहा है मरने से, मेरा कार्मिक अकाउंट है वो मुझे रोक रहा है, मुझे मेरा कोई कार्मिक अकाउंट ही नहीं है तो मुझे यहाँ रुकने के लिए कोई मतलब ही नहीं है, मुझे परम धाम जाना ही जाना है, परम अवस्था में जाना ही जाना है, तो वैराग्य ऑटोमेटिक आना है, चाहे हम बाबा का ज्ञान सुने या ना सुने, अपने आप जाना, ज्ञान वो सुनेंगे जिन्होंने सतयुग में आना, जिन्होंने समझेंगे भी वही, जिन्होंने अपने आप को चरित्रवान बनाना है, जितना चरित्रवान बनाना है उतना वो पुरुषार्थ करेंगे। बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ भी तुम इन आंखों से देखते हो उनको ज्ञान से बोलना है। अब सही शब्द यूज किया है ना, ज्ञान से भूलना है, समझ कर भूलना है कि ये सब खत्म होने वाले हैं, इन सब में परिवर्तन आने वाला है, सब वर्ष से बेस्ट बनने वाले हैं, 0 to 100% में जाने वाले हैं, धंधा आदि सब करना है, ये नहीं कि धंधे छोड़ के बैठ जाएं, जब तो मेरे को कुछ भी देखना नहीं है अब मैं धंधा क्यों करूं, नहीं, बच्चों को संभालना है, परंतु बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है, आधा कल्प तुम रावण की मत पर चलते हो, अब बाप का बने हो तो जो कुछ करो सो बाप की राय से करो, जो कुछ करो सो क्या करो, बाप की राय से करो, तुम्हारा लेन देन इतना समय पतितों से चला आया है उसका नतीजा क्या हुआ, क्या हुआ, दिन प्रतिदिन पतित ही बनते आए हो, क्योंकि भक्ति मार्ग में है ही उतरती कला का मार्ग, भक्ति मार्ग है क्या, उतरती कला का मार्ग है, सतो प्रधान फिर सतो फिर रजो तमो में आना है, मतलब भक्ति हो उसे भी चारों अवस्थाओं में गिरना ही गिरना है, चाहे हमारा सतयुग था तो भी प्रकृति तो भी आत्मा तो भी हर तत्व को सतो प्रधान से तमो प्रधान की तरफ आना ही आना है, उतरना ही है जरूर, इससे कोई छुड़ा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता कि ऐसा करें तो ये गिरेंगे नहीं, ऐसा करें तो ये तमो प्रधान बनेंगे, उन्होंने तो तमो प्रधान बनना ही बनना है, लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म बताए ना, नर ऐसी करनी करे नारायण बने, तो नर फिर नारायण, नारायण फिर नर भी तो बनता होगा ना, तभी तो नारायण बनेगा, अंग्रेजी के अक्षर बड़े अच्छे हैं, गोल्डन एज सिल्वर एज कॉपर एज आयरन एज, ऐसे खाद पड़ती जाती है, ऐसे ही खाद पड़ती है, पहले सोने में चांदी मिलाते हैं, फिर सोने में तांबा मिलाना शुरू करते हैं, अब लोहे के बना के ऊपर गोल्ड बना दे पॉलिश कर देते, सोने से कम नहीं, गुम हो जाए तो कम नहीं, ऐसी खाद पड़ती जाती है, इस समय आकर आयरन एज बने हैं, गोल्डन एज में नई दुनिया थी, नया भारत था, इस लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कल की बात है, कल की बात है, शास्त्रों में लिख दिया है लाखों वर्ष, अब बाप कहते हैं तुम्हारे शास्त्र राइट हैं या मैं राइट हूं, अब बताओ, बाप को कहा जाता है वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान परम पिता परम आत्मा, जो वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कह देते हैं कि ये वेदों की अथॉरिटी है, इसने 4 वेद पढ़े हुए हैं, रामायण पढ़ी हुई है, भागवत पढ़ी हुई है, वो उसकी अथॉरिटी है, जो कुछ उसमें लिखा है ये वही कहेगा, बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की अथॉरिटी है, ज्ञान के लिए तो मेरा गायन करते हैं, आप ज्ञान के सागर हो हम नहीं, दया कर दान विद्या का तू
प्रेम का सागर है तेरी बूंद के प्यासे। हम नहीं है, मनुष्य सब भक्ति के सागर में डूबे हुए हैं। सत्युग में कोई विकार में जाते नहीं, पता ही नहीं। कलयुग में मनुष्य आदि मध्य अंत दुखी होते रहते हैं। कल्प पहले भी ऐसे समझाया था, अब फिर समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं कल्प पहले भी बेहद के बाप से वर्षा दिया था, अब फिर पढ़कर पा रहे हैं समय बहुत थोड़ा है। ये तो विनाश हो जाएंगे, ये तो विनाश हो जाएंगे, इसलिए बेहद के बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। वे बाप टीचर गुरु भी है, सुप्रीम फादर सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, सारी नॉलेज देते हैं, ये और कोई समझा ना सके, ये और कोई समझा ना सके। अभी बच्चे समझते हैं 5000 वर्ष पहले माफिक ये वही गीता का भगवान है, श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण नहीं है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान तो है ही पुनर्जन्म रही। भगवान कैसा है, इनको दिव्य जन्म कहते, इनको क्या कहते हैं, दिव्य जन्म कहते हैं, नहीं तो मैं निराकार बोलूं कैसे, नहीं तो मैं निराकार बोलूं कैसे, मुझे तो जरूर आकर पावन बनाना है, तो युक्ति बतानी पड़े। तुम जानते हो हम आत्मा अमर हैं, रावण राज्य में तुम सब देह अभिमानी बन पड़े, रावण राज्य में तुम सब क्या बन गए, देह अभिमानी। सतयुग में क्या थे, देही अभिमानी होते हैं। बाकी परमात्मा रचता और उनकी रचना को वहां भी नहीं जानते, परमात्मा रचता और उनकी रचना को वहां भी कोई नहीं जानते। अगर वहां भी मालूम हो कि हमको फिर ऐसे गिरना है तो राजाई की खुशी ही ना रहे, राजाई की खुशी ही ना रहे। इसलिए बाप कहते हैं ये नॉलेज वहां प्राय लोप हो जाती है, ये नॉलेज वहां प्राय लोप हो जाती है, जबकि तुम्हारी सदगति हो जाती है। क्यों लोप हो जाती है, आपकी सदगति हो जाती है और ये ज्ञान वहां प्राय लोप हो जाता है, फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं, क्योंकि संस्कार बन गए, अब ज्ञान की जरूरत नहीं। ज्ञान की दरकार ही दुर्गति में होती है, इस समय सब दुर्गति में है, इस समय सारी दुनिया क्या है, दुर्गति में है, सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। बाप कहते हैं मेरे बच्चे आत्माएं जो शरीर द्वारा आकर पाठ बजाती हैं, वही काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बन पड़ी है। बुलाते भी हैं कि हम पतित बन पड़े हैं, पतित बनते ही हैं काम चिता से, क्रोध व लोभ से पतित नहीं बनते, क्रोध लोभ से को पतित नहीं कहते, परंतु काम विकार से क्या बनते हैं, पतित बनते। साधु संत आदि पावन है, देवताएं पावन है, तो पतित मनुष्य जाकर माथा टेकते, गाते भी हैं आप निर्विकारी हम विकारी, वॉइसलेस वर्ल्ड, विशेष वर्ल्ड गाया जाता है ना, भारत ही वॉइसलेस वर्ल्ड था, अब विशेष है, भारत के साथ सारा वर्ल्ड ही विशेष है। वॉइसलेस वर्ल्ड में आज से 5000 वर्ष पहले एक ही धर्म था, एक ही धर्म था, पवित्रता थी, पीस प्रॉस्पर्टी थी, पीस प्रॉस्पर्टी थी और प्योरिटी है फर्स्ट, पवित्रता पहले, पवित्रता है तो पीस भी होगी प्रॉस्पर्टी भी होगी, अभी प्योरिटी नहीं है तो पीस प्रॉस्पर्टी भी नहीं है।
ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर एक ही बाप है, तुमको भी ऐसा प्यारा बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी में सब प्यारे हैं, मनुष्य मात्र, जानवर आदि सब प्यारे हैं, शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। ये एक दृष्टांत है, उदाहरण है। वहां ऐसी चीज गंध करने वाली होती नहीं, कोई ऐसी चीज जो गंध करे वहां ऐसी होती नहीं, चाहे पशु पक्षी जानवर। बाबा कहते वहां कोई ऐसे गंध करने वाले जानवर भी, पशु भी, पक्षी भी नहीं। यहाँ बीमारियां मच्छर आदि बहुत हैं, वहां ऐसी चीज नहीं होती। सौकार आदमियों के पास फर्नीचर भी फर्स्ट क्लास होता है, गरीबों का फर्नीचर भी साधारण। भारत अभी गरीब है, कितना किचड़ा लगा हुआ है, कितना गंद लगा हुआ है, सत्यु में कितना सफाई रहती है। सोने के महल आदि कितने फर्स्ट क्लास बनेंगे, वैकुंठ की गायें भी देखो कितनी फर्स्ट क्लास होती है। कृष्ण को कितनी अच्छी गायें दिखाते हैं, कृष्णपुरी में गायें तो होंगी ना, वहां चीजें कितनी फर्स्ट क्लास होती हैं। हेवन तो फिर क्या, इस पुरानी ची ची दुनिया में तो बहुत किचड़ा है। ये सब इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा। कैसे कैसे बॉम्ब्स बनाते रहते, बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बॉम्ब्स फेंकें तो आग निकल जाए, लगातार बॉम्ब्स बनाते जा रहे हैं। यानी कि बॉम्ब्स रोक दिए, क्यों इतने सारे बॉम्ब्स बना रहे हैं? आजकल तो ऐसे जीवाणु भी बॉम्ब, जीवाणु वाले बॉम्ब भी बनाने शुरू कर दिए, जो एकदम फैलते जाते हैं। जैसे हम कोरोना कहें, ये भी एक जीवाणु बॉम्ब है, यानी जिससे जीवाणु फैलते जाते, ऐसा विनाश करते हैं जो बेहद में खत्म हो जाए। इतने चलते सारे के सारे जिसमें क्या हो जाए, खत्म हो जाए। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं जो दवाई आदि कर सके। बाप कहते हैं बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए गाया हुआ है नेचुरल कैलेमिटीज, मूसलाधार बरसात। अभी मैं वर्ल्ड रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें दिखाया कि जैसी ये सुनामी वगैरह पहले कभी कभी आती थी, अब साल में कई बार आई, क्योंकि परिवर्तन मौसम चेंज हो गया है। और जहां बरसात नहीं होती थी वहां खूब बरसात हो रही है, और जहां बरसात होती थी वहां बरसात ने होना बंद कर दिया है। मतलब पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। जहां बरसात होती थी वहां बरसात नहीं हो रही, और जहां बरसात नहीं होती थी वहां खूब बरसात हो रही, मतलब ये भी चेंज आ गया है एकदम। अब ये देखो कि पहाड़ कितने गिर रहे हैं, पहले इतने पहाड़ नहीं गिरते थे, और अब जितने गांव जितने शहर पानी में डूबे पड़े हैं, वहां मच्छर और पानी से फैलने वाली बीमारियां महामारी का रूप ले लेते, उनसे भी लड़ाई करना बड़ा भारी। और अभी तो चलो उनको कोई ना कोई जगह बची हुई है जहां उनको उठा करके ले जाते हैं नाव के द्वारा कैसे भी, और उनका इलाज हो जाता है या उनको राहत सामग्री मिल जाती है। परंतु तब कोई हॉस्पिटल भी नहीं बचेगा, कोई बचाने वाला भी नहीं आएगा। अब जो पड़ा है वहां तड़प रहा है, जहां फंसा है वहीं तड़प तड़प करके उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा। एकदम शरीर छूट जाए वो भी एक अच्छी बात है। अब वो छत पर बैठा है, चारों तरफ पानी है, उतरता है तो मरता है, बैठा है तो बैठा है। अब वहां कोई खाना देने वाला नहीं, तैरना उसको आता है तो थोड़ी दूर तैर कर जा सकता है, कहां तक तैरेगा, है ना? तो उसे तो बैठे बैठे तड़प तड़प के शरीर छोड़ना पड़ेगा, कितने दिन तक बैठना पड़ेगा खाने को।
स्वेच्छा से शरीर वो तभी छोड़ेंगे जब अकाउंट बराबर होगा। अकाउंट बराबर नहीं हुआ तो कैसे छोड़ देंगे भाई, तड़पेगा वही ना जिसका अकाउंट है, नहीं तो पानी में ऐसे नकार गई और उसके साथ वो भी डूब गया और खत्म हो गए दो चार पांच मिनट में, ठीक है नहीं। अब उसकी कार ऐसी जगह पर अटक गई, कार डूबी नहीं है, वो उसके अंदर है, वो तो चारों तरफ पानी है, कहीं जा नहीं सकते, निकल नहीं सकते, उतर नहीं सकते, उतरते हैं तो मरते, नहीं उतरते तो मरते। क्योंकि हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक आत्मा के साथ अलग अलग सिचुएशंस होंगी, अलग अलग परिस्थितियां होंगी, और उनका आधार होगा उनका कार्मिक अकाउंट। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है, बुद्धि भी कहती है विनाश तो जरूर होना है, विनाश तो जरूर होना है। कोई कहे विनाश का साक्षात्कार हो तब माने, कई कहते हमें कराओ साक्षात्कार, अच्छा नहीं मानो मत मानो तुम्हारी मर्जी, नहीं। कोई कहे कि हम आत्मा का साक्षात्कार करें तब हम माने, अच्छा आत्मा तो बिंदी है, मान लो आपने कोई बिंदी देख भी ली, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या इससे सदगति होगी? कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप, हजारों सूर्यों से भी तेजोमय, अखंड ज्योति स्वरूप, यदि अखंड शब्द को लें जिसके टुकड़े ना किए जा सके, अखंड माना जिसके टुकड़े ना किए जा सके, क्योंकि परमात्मा तो है ही एक ऐसी ज्योति जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्योंकि आत्मा का सबसे छोटा रूप क्या होता है, उसके टुकड़े ना किए जा सके, तो परमात्मा भी एक प्रकाश का इतना सूक्ष्म रूप है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्योंकि हमारे गीता में लिखा उसको कि शस्त्र काट नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकते, तो जब उसके टुकड़े नहीं हो सकते तो हजारों सूर्यों से तेजोमय तो बहुत बड़ा हो जाएगा, परंतु ऐसे है नहीं। गीता में लिखा है अर्जुन ने कहा बस करो बस करो, मैं सहन नहीं कर सकता, ऐसी बात ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बाप को बच्चे देखे और कहे हम सहन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी है नहीं। जैसी आत्मा है वैसे परम पिता परम आत्मा बाप है, सिर्फ वो ज्ञान का सागर है, तुम्हारे में भी ज्ञान है, तो ज्ञान के सागर नहीं हो, तुम्हारे में भी ज्ञान है, बाप ही आकर पढ़ाते हैं और कोई बात ही नहीं, जो जो जिस भावना से याद करते हैं। अब उनकी भावना जिस मूर्ति में बैठी है तो उनको उसी मूर्ति का साक्षात्कार होता है, तब वो समझते हैं कि मुझे भगवान के दर्शन हुए। अब यदि किसी और मूर्ति के दर्शन हो जाए तो कहेगा पता नहीं, वे भावना पूरी कर देता हूं, वे भी ड्रामा में पूरी भी करता हूं, तो वो कोई मैं ये नहीं कि अब उसने याद किया तो वो भी ड्रामा में नूंद है, ऑटोमेटिक वो करेगा, ऑटोमेटिक उसको दर्शन भी हो जाएंगे। बाकी बाबा कोई सोचता नहीं कि अच्छा चल अब इसने इतनी भक्ति करनी थी कर ली, अब इसको मैं साक्षात्कार करा दू, इतनी भी मेहनत नहीं करना चाहता, कितना निकम्मा है बाबा, कोई काम नहीं करता, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा क्या काम करता है। अब हाँ मतलब करता तो कुछ भी नहीं, ना तो कहीं आग लगाता, ना कहीं बम चलाता, ना कहीं मिसाइल चलाता, ना किसी आत्मा को पकड़ता, ना किसी आत्मा को कहीं ले जाता, सिर्फ इस ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के बोल देता है बस। अब उसी उसी को बड़ी बात बना रखा है, मजबूरी है, ड्रामा में बंधा हुआ है, फंसा हुआ है, उसको आना पड़ेगा, मतलब कोई इलाज नहीं है उसके पास, मतलब उसका रोल ही सिर्फ यही है कि ड्रामा अनुसार आ करके हम सबको रास्ता दिखाना, बस उसका और कोई काम नहीं, उसका और कोई काम ना करता, सिर्फ एक ही पार्ट है उस आत्मा का, हम उसके साथ रीस तो नहीं कर सकते, परंतु ये जरूर है कि उस आत्मा का परम आत्मा का एक ही पार्ट है आना और सबको ब्रह्मा बाबा के तन से ज्ञान सुनाना, बस
आने, मतलब वो इसलिए सुप्रीम है कि वो आकर ये ज्ञान सुनाकर ट्रिगर करता है सारी आत्माएं जो गिरती चली आ रही थी, अब वो चढ़ती कला हो जाती, और चढ़ती कला भी एकदम 100% हर एक परफेक्ट हो जाती, हर एक आत्मा, हर एक एलिमेंट, आज की मुरली के मुताबिक हर तत्व और हर एक आत्मा क्या हो जाती है, परफेक्ट 100% प्योर हो जाती। जो जो जिस भावना से याद करते हैं वही भावना पूरी कर देता हूं, वो भी ड्रामा में नूत है। साक्षात्कार की चाबी कहता है कि मेरे हाथ में है, चाबी लोहे की है, सोने की है, चांदी की है, कोई मतलब नहीं, किसी चीज की कोई चाबी नहीं है, मतलब उसको साक्षात्कार कराने के लिए भी संकल्प भी नहीं करता कि चलो इसे संकल्प करना पड़े शिव बाबा को कि भी अब उसने इतनी भक्ति कर ली उसको जाके साक्षात्कार करा दूंगा, उसका भी संकल्प उसको करना नहीं है। ऑटोमेटिक ड्रामा में नूंद है, ऑटोमेटिक ड्रामा में नूंद है कि परमात्मा को एक्यूरेट टाइम पर परम धाम से सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन का काम करके स्थूल वतन में आना, एक्यूरेट टाइम ऑटोमेटिक आना है, रुक नहीं सकता, कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो उसको रोक सके, उसके ऊपर और कोई सुप्रीम नहीं है जो उसको चेक कर सके, तो वो खुद भी लेट नहीं होता, चलो मैं लेट हो जाऊं मेरे को कौन कहने वाला है? जिस भावना से याद करते हैं वो भावना पूरी कर देता हूं, वो भी ड्रामा में नूंद है, बाकी भगवान किसको मिल नहीं सकता, भगवान किसको मिल नहीं सकता दुनिया में, बाबा अपने बच्चों के सिवाय और किसी से मिलता नहीं। मीरा साक्षात्कार में कितनी खुश होती थी, दूसरे जन्म में भी भक्तिन बनी होगी, अब उसने कृष्ण का साक्षात्कार किया, कृष्ण के साथ डांस किया, कृष्ण के साथ नृत्य किया, परंतु कोई कृष्ण को तो मतलब नहीं वहां आ जाए, कृष्ण के साथ कोई वो आ जाए कृष्ण वहां पर उसके साथ रास करने के लिए, ऐसा तो कोई है नहीं। फिर क्या किया उसने, केवल उसके ख्यालों में इतनी खोई रहती थी कि वह हर काम ऐसे ही करती। आपने देखे हैं या नहीं देखे, मैंने ऐसे लड्डू गोपाल के बच्चे, बाबा के बच्चे, मतलब भगवान को, कृष्ण को समझने वाले, वो उसके साथ ऐसे ही बातें करते हैं, कुछ तो जानबूझ के नाटक करते हैं और कुछ सुन सुन करके करते हैं, कुछ मैंने देखे जो बिल्कुल नेचुरल उनकी हैबिट बनी हुई है, मतलब उनके संस्कार में इतना रम चुका है कि वो सारा दिन कृष्ण 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 भाई ये कृष्ण ये कृष्ण ये। लड्डू गोपाल वालों को सिखाया जाता है, उनको तो भरा जाता है कि आपने खाना है तो पहले इसको खिलाना है, करना है तो इसको, उनको फीड किया जाता है, सत्संग में सुनाया जाता है, उनको किसी ने फीड नहीं किया, उनको किसी ने फीड नहीं किया, वो ऐसे ही दीवाने बने रहे, उनका दिन सारा दिन दीवानापन में जाता है, मतलब उसको मैंने जाकर के अनजाने में भी देखा, अचानक भी देखा, तो वो अपने उसी रूप में ही बातें करते रहते हैं, और उतना उनकी बुद्धि के अंदर वो समाया हुआ है कृष्ण के, उनको उसी में ही रहते हैं। हाँ, वो कृष्ण की मूर्ति को ऐसे ही कहेंगे, बात करेंगे, आओ खाना खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मतलब वो सारा दिन या जो भी बात करनी होगी उसके साथ करते रहेंगे, पागल भी कह सकते हैं कि वो पागल। वैकुंठ में तो जा नहीं सकती, रास किया, अगले जन्म में भक्तिन बनी होगी, क्योंकि अगले जन्म में तो गिरना ही है ना, परंतु वैकुंठ तो जा नहीं सकती है। अभी तुम बच्चे वैकुंठ में जाने की तैयारी कर रहे हो, जानते हो हम वैकुंठ कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हैं, यहां तो सब नर्क के मालिक हैं, इस दुनिया में तो सब क्या है, नर्क के मालिक हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी, हर 5000 साल बाद इतिहास भी और भूगोल भी हू बहू रिपीट होता है,
इतिहास भूगोल भी 100% शुद्ध बनता है और फिर क्या होता है, पतित बनता है। ये हिस्ट्री रिपीट्स ये इतिहास की पुस्तक में भी लिखता है, इतिहास में भी ये चैप्टर आता है कि इतिहास जो है वो दोहराया जाता है। तो बच्चे जानते हैं हम अपना राज्य भाग्य फिर से ले रहे हैं, ये है राजयोग बल। ये कौन सा बल है, राजयोग बल। बाहुबल की लड़ाइयां तो अनेक बार अनेक जन्म चली हैं, योग बल से तुम्हारी चढ़ती कला है। अब तुम बाबा की याद से योग के बल से अपनी चढ़ती कला करते हो, जानते हो बरोबर स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो रही है। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया होगा वैसे ही करेंगे, जैसे 5000 साल पहले उन्होंने किया था वैसे ही सब आत्माएं अपना रोल प्ले करेंगी। तुमको हार्ट फेल नहीं होना चाहिए, हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। हार्ट फेल क्या होता है, दिल शिकस्त होना, हार जाना, मेरे बस की बात नहीं। जो पक्के निश्चय बुद्धे हैं उनको कभी संशय नहीं आ सकता, क्योंकि संशय आता है तो निश्चय बुद्धि नहीं रहती। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनको कभी संशय नहीं आ सकता, संशय बुद्धि भी होते जरूर है, सारे तो नहीं रहते ना, कोई ना कोई संशय बुद्धि भी होते जरूर है। बाबा ने कहा है आश्चर्यवत सुनन्ति कथन्ति और फिर भगन्ति हो जाते। ओ माया, ओ माया तुम इन पर जीत पा लेती हो, माया बहुत बलवान है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास सर्विस करने वाले सेंटर चलाने वालों को भी माया, किनको थप्पड़ मारती है माया, जो सेंटर चलाते हैं अच्छी अच्छी सेवाएं करते हैं उनको माया थप्पड़ मार देती है। फिर लिखते हैं थप्पड़ मार दिया, बाबा शादी कर मुंह काला कर दिया, काम कटारी से हमने हार खा ली, अब तो बाबा आपके सामने आने लायक नहीं रहे। फिर लिखते हैं बाबा सन्मुख आए, बाबा लिखते हैं काला मुंह किया, अब यहां नहीं आ सकते, अब यहां नहीं आ सकते। यहां आकर क्या करेंगे, फिर भी वहां रहकर पुरुषार्थ करो। एक बार गिरा सो गिरा, ऐसे नहीं कि राजाई पद पा सकेंगे। कहा जाता है ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर, एकदम चंडाल बन जाते, हड गुड टूट पड़ते। चंडाल किसे कहते हैं, जो नाशवान शरीर को ठिकाने लगाने का काम करते या और भी गंदे काम जो भी करने पड़ते हो, हड गुड टूट पड़ते, क्योंकि देह अभिमान में रहे ना, तो वहां भी 5 मंजिल से गिरते। फिर कोई कोई सच लिखते हैं, कोई तो सुनाते ही नहीं, कोई तो सच लिखते हैं कोई तो सुनाते ही नहीं है। इंद्रप्रस्थ की परियों का भी मिसाल है ना, ये है सारे ज्ञान की बात, ये है सारे ज्ञान की बात। इस सभा में कोई पतित को बैठना हुक्म नहीं, किसी भी पतित को बैठना, हुक्म नहीं है, परंतु कोई हालत में बिठाना पड़ता है।
पतित को बाबा के उसमें बिठाना नहीं है, परंतु कोई हालत में बिठाना पड़ता है। पतित ही तो आएंगे ना। अभी तो देखो कितनी द्रौपदियां पुकारती हैं, कहती हैं बाबा हमें नंगन होने से बचाओ। बांधेलियों का भी पाठ चलता है, बांधेलियां जिनको आने नहीं दिया जाता उनका भी पाठ चलता है। कामेशु क्रोधेशु होते है ना, बड़ी खिट पिट होती है। बाबा के पास समाचार आते हैं, बेहद का बाप कहते हैं बच्चे इन पर जीत पहनो, इन पर जीत पहनो, आप पवित्र रहो, मुझे याद करो, तो गारंटी है विश्व के मालिक बनोगे। अखबार में भी खुद डालते हैं कि कोई प्रेरक है जो हमसे ये बॉम्ब्स आदि बनवाते हैं, इससे अपने ही कुल का नाश होगा। परंतु क्या करें, परंतु क्या करें, ड्रामा में नूंद है, दिन प्रतिदिन बनाते जाते हैं, टाइम बहुत तो नहीं है ना, दिन प्रतिदिन बॉम्ब्स बनाते जाते हैं, अब टाइम बहुत तो है नहीं। कब मुरली चली थी? 69 से पहले कितना टाइम हो गया? टाइम तो बहुत है नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, सतयुगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए बहुत बहुत प्यारा बनना है, राजाई पद के लिए पावन जरूर बनना है, पवित्र फर्स्ट है इसलिए काम महाशत्रु पर विजय पानी है, काम महाशत्रु पर विजय पानी है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनने के लिए इन आंखों से देह सहित जो कुछ भी दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है, हर कदम पर बाप से राय लेकर चलना है। वरदान, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भाव। कैसे मिलेगा वरदान? जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वे समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती है, हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है, वो कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते, कारण को निवारण में बदल देते हैं। कोई भी कारण है उसका हल करना है, ये समस्या है कोई बात। स्लोगन, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। हम आत्मिक स्थिति में रहें फिर कैसी भी परिस्थिति आए उसको पार कर ले, सफलता प्राप्त करें, घुटने नहीं टेक दे, उसके सामने हार खाना मतलब दुखी होना और जीत पाना माना खुशी। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9
131-06-986 पर व्हाट्सएप करें। ओम शांति।